वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना। करण जौहर के बाद रणवीर कपूर अर्जुन रामपाल को फंसाना चाहती है एनसीबी, तो चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि क्षितिज प्रसाद ने किया है एनसीबी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा। धर्मा प्रोडक्शन के एक्स एजुकेटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद पिछले दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। ड्रग मामले की छानबीन कर रही एनसीबी पर ही उल्टा क्षितिज ने आरोप लगा दिया है। उनके मुताबिक एनसीबी अपने मन की बात कहलवाने के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अब बॉलीवुड के और बड़े नामों को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब एनसीबी ने इस पर अपनी सफाई दे दी और उन्होंने क्षितिज पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहा है। क्षितिज ने अपने बयान में कहा कि रणवीर कपूर, अर्जुन रामपाल और डीना मौर्य के खिलाफ झूठा बयान देकर फंसाने के लिए एनसीबी मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। मैंने कई बार बोल दिया है कि मैं इनमें से किसी को भी पर्सनल नहीं जानता हूं। क्षितिज ने कहा कि उन्हें गलत बयान देने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इससे पहले प्रसाद ने एनसीबी पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि वह करण जौहर के खिलाफ उनसे झूठे बयान दर्ज करवाने के लिए फोर्स कर रही है। बता दें कि क्षितिज को 6 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एनसीबी ने कहा कि प्रसाद द्वारा लगाए गए आरोप सभी झूठे हैं। वे जांच में ठीक तरह से सहयोग नहीं दे रहे हैं। वे अपने ही दिए स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर रहे हैं। यहां तक कि साइन करने के लिए क्षितिज सौदेबाजी भी कर रहा है। बता दें कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सारपंदे ने भी एनसीबी द्वारा रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट पेश किए हैं और कहा कि जिन नामों का जिक्र प्रसाद कर रहे हैं उनका नाम तो स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं है। अब कौन दोनों में कितना सही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।